भारी विरोध के बावजूद भी धनबाद सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कृति आजाद अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बोकारो में प्रचार के दौरान उन्होंने ये दावा किया, कृति आजाद लोगों से मिलकर अपने हित की बात कर रहे हैं। कृति आजाद का मानना है कि वे एक क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं और देश के लिए खेलते हुए कई वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। जनसंपर्क के बाद उन्होंने कहा, राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है लेकिन विकास नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जनता के हित में कार्य नहीं किया गया है। उन्होंने वर्तमान सांसद पीएन सिंह पर आरोप लगाया कि वे संसद में आवाज नहीं उठाते हैं, इसलिए यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के मैदान में उतरने पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उनका पूरा प्यार मिल रहा है, समर्थन की पूरी बात है और जगह जगह जो शुरू किया हमने आज कार्यक्रम, सब जगह बहुत ही बढ़ चढ़ के लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत ही भारी बहुमत से इस बार जीतेंगे। ये लोग खुलने भी लगे हैं आपके साथ? जी, वैसे भी खुलते थे, हम तो वैसे ही ओपन आदमी हैं, हम तो खिलाड़ी आदमी रहे, देश के लिए खेले, 26 साल से राजनीति में हैं और मिलनसार भाव से बात करते हैं और सबसे जो उनकी समस्याएं होते हैं वो सुनते हैं, जो आगे क्या क्या करना है नहीं करना है, जो बात पार्लियामेंट में नहीं उठा सके, जो केंद्र सरकार से योजना पीएन सिंह जी नहीं ला सके, उन सबों के लिए लड़ करके प्रयास करना है कि वो वापस आए और लोगों की जो समस्या है उनको पार्लियामेंट में उठाया जाए, वहां पर बड़े माध्यम होते हैं उठाने के लिए। अभी कई लोगों से मिल रहे मतदाता, क्या समस्या रख रहे हैं आपके सामने? आने को देखिए, हम हर तरह के लोगों से मिले हैं, ग्रामीण लोगों से मिले हैं, अभी इन्होंने भूमि अधिग्रहण की बात की, उसी प्रकार से मजदूरों को मिल रहे हैं, विस्थापितों से मिल रहे हैं, जलता हुआ कोयला फेंके जा रहा है, ओवरबर्डन हुए जा रहा है, बिजली पानी की समस्या है, पानी की तो घोर समस्या है, अकाल सा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ पर योजनाएं जो केंद्र सरकार की आई थी, चाहे वह हवाई अड्डा हो, वो नाक के नीचे से पीएन सिंह जी के चला गया, एम्स अस्पताल आया था वह नाक के नीचे से चला गया, सोचिए सुविधा कितनी मिलती, स्वास्थ्य की तो वैसी जो हालत यहाँ बनी हम सभी को जानते हैं। नौजवानों के लिए पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा मिली, IIM आया था वो चला गया, दुरंतो ट्रेन चली गई, डबल डेकर चली गई, DC लाइन बंद होकर 26 ट्रेन बंद हो गया, पूरे कट गए ये लोग उत्तर बिहार से, बंगाल से और उत्तर प्रदेश से। तो यह सारे मुद्दे हैं जो पीएन सिंह जी को जवाब देने पड़ेंगे।